तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू textbook.com। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक तत्व, मीन्स उत्तर प्रदेश कल्चरल एलिमेंट। वेल स्टूडेंट्स, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उत्तर प्रदेश के कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक से आपको कंपटीशन में 1 to 2 क्वेश्चंस जरूर मिलते हैं। सांस्कृतिक तत्व का मतलब होता है उस प्रदेश की, उस राज्य की, उस स्टेट की मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला, यही सब मिलके उस राज्य की संस्कृति यानी उसका कल्चर बनाती हैं। वेल, आप समझ गए होंगे इसका मतलब। हम आज उत्तर प्रदेश के इतिहास के प्राचीन काल के पन्ने खोलेंगे और बताएंगे कि प्राचीन काल से अभी तक, आधुनिक काल तक, उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला को लेकर, मूर्तिकला को लेकर, चित्रकला को लेकर, स्पेशली इन तीनों सेक्शन का अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक उत्तर प्रदेश ने क्या प्रगति की और कौन कौन से राजा, महाराजाओं, नवाबों ने उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक तत्व में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 to 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से अक्सर देखे जाते हैं उत्तर प्रदेश के सभी जनरल कॉम्पिटिशन। तो वेल स्टूडेंट, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार इसका अवलोकन, ओवरव्यू कर लेते हैं कि इस टॉपिक में हम आपके साथ क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो वेल, सबसे पहले अवलोकन में सांस्कृतिक तत्व यानी कल्चरल एलिमेंट्स, और कल्चरल एलिमेंट्स में वैसे तो इसका रहन सहन, खान पान, उनकी संगीत कला, उनकी नृत्य कला और जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो सभी आते हैं। लेकिन सांस्कृतिक तत्व में हम आपके साथ इस टॉपिक में स्थापत्य कला, चित्रकला व मूर्ति कला स्पेशली डिस्कस करेंगे। स्थापत्य कला की अगर बात करें तो जिसको हम लोग आर्किटेक्चरल आर्ट बोलते हैं, यानी आर्किटेक्चर, और वो प्राचीन काल में किस तरह की थी उत्तर प्रदेश में, यानी मौर्य राजा यहाँ पर आए, गुप्ता डायनेस्टी आई, कुषाण डायनेस्टी यहाँ पर आई, उन सभी राजाओं ने जिन्होंने यहाँ पे रूल किया, उन्होंने इसके स्थापत्य कला में क्या योगदान दिया। यानी अगर मैं कुषाण कला की बात करूँ, कुषाण टाइम पीरियड की, तो उसे मथुरा कला बहुत फेमस हुई उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के एग्जाम में मथुरा कला के ऊपर काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेल, उसके बाद मौर्य काल यहाँ पे जब आया तो सारनाथ आप देख सकते हैं, वहां पे अशोक के इंस्क्रिप्शन वहां से मिलते हैं, और सारनाथ में वो जो 4 लाइंस है जिसको आज हम अपना नेशनल एम्बलम के रूप में जो आज स्थापित है, वो भी एक कल्चर एलिमेंट है उत्तर प्रदेश का। उसके बाद गुप्ता टाइम पीरियड में यहाँ पे मंदिर स्थापत्य कला का निर्माण हुआ, देवगढ़ का दशावतार मंदिर हिंदुस्तान का फर्स्ट टेंपल माना जाता है। तो उस समय मंदिर बनाने की कला कैसी थी, नागर स्टाइल उसको बोलते थे, वो आपके साथ इसके अंदर डिस्कस करेंगे। एंड स्थापत्य कला में स्पेशली जब टर्किश यहाँ पर आए और मध्यकाल में किस तरह की स्थापत्य कला में चेंजेस दिखाई दी, जिसे हम त्राबियत और अर्कुएट स्टाइल बोलते हैं, यानी इंडो इस्लामिक स्टाइल एक आर्किटेक्चर में दिखाई दिया। और उसके बाद जब दिल्ली सल्तनत यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई, तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने स्थापत्य कला में क्या योगदान दिया। और उसके बाद जब मुगल्स यहाँ पर आए, यानी अगर हम लोग बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की बात करें, और इवन लेटर मुगल्स में स्थापत्य कला में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले, और इस्लामिक कला जो एक स्टाइल होता है, जैसे मेहराब और आर्च की बात करते हैं, यानी अगर हम इंडियन कला की बात करें तो हमें बेल्स और लोटस दिखाई देते हैं, उन सबका कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला में देखने को मिला। और इसके साथ साथ जो लोकल राजा, जो लोकल नवाब, जो अलग अलग डायनेस्टीज थी, जैसे अवध के नवाब, जौनपुर की शर्की डायनेस्टी, इन सब को भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला के अंतर्गत। फिर उसके बाद अगर चित्रकला की बात करें, चित्रकला यानी पेंटिंग, पेंटिंग की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्राचीन काल से पेंटिंग काफी फेमस रही है। पाषाण काल यानी अगर मैं पैलियोलिथिक एज की बात करूं तो उसमें लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज, जब से भीमबेटका एक बहुत इंपॉर्टेंट केव पेंटिंग्स है जो कि मध्य प्रदेश भोपाल में है, लेकिन उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर भी इसमें काफी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। और उसके बाद कहा जाता है कि फिर मौर्य काल में आके चित्रकला का क्या स्वरूप रहा, और मध्य काल में आके किस तरह की पेंटिंग हुई। इवन अगर हम मुगल डायनेस्टी की बात करें तो जहांगीर का काल एक तरह से चित्रकला की अगर बात करें तो वो स्वर्ण युग, गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद औरंगजेब के समय चित्रकला का डिक्लाइन हुआ, उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की कोई चित्रकला मुगल टाइम पीरियड में, स्पेशली औरंगजेब के काल में नहीं दिखाई दी। फिर उसके बाद अगर मूर्ति कला की बात करें तो किस तरह की मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई, स्कल्पचर आर्ट जो रही उत्तर प्रदेश की वो किस तरह की रही। तो वेल, ये सभी पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्तर प्रदेश के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो वेल, सबसे पहले सांस्कृतिक तत्व यानी कल्चरल एलिमेंट में स्थापत्य कला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट
सेक्शन है सांस्कृतिक तत्व का। तो प्राचीन काल प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम अवशेष मौर्य कालीन है, जिनका निर्माण चुनार के बलुआ पत्थरों से हुआ था, और कुषाण काल में मथुरा कला शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। वेल, सबसे पहले आप ये जरूर जान लें, मथुरा कला शैली का सर्व संरक्षण है, जो पैट्रॉन है, वो कुषाण राजाओं के द्वारा किया गया, जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आप जरूर याद रखें, बलुआ पत्थर यानी सैंड स्टोन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये चुनार से मंगाया गया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थापत्य कला का शुभारंभ हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रदेश में जो स्थापत्य कला के जो सबसे एंशियंट रिमेन्स हैं वो मौर्य कालीन है, ये भी आपको याद रखना है, जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम में काफी बार पूछा गया। अब वेल स्टूडेंट्स, अब इस पिक्चर पर आते हैं। आप इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखें को, तो ये वाली जो इमेज आप देख रहे हैं, ये गंधार कला में महात्मा बुद्ध की बनी हुई मूर्ति है। गंधार कला में कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां मिली, वो एक तरह से महात्मा बुद्ध को उसमें एक आइडियल पर्सन के रूप में शो किया गया, यानी एक आदर्श व्यक्ति दिखाया गया, और एक झीना सा कपड़ा आप देखेंगे इस मूर्ति में, एक झीना सा कपड़ा महात्मा बुद्ध को पहनाया गया है। और महात्मा बुद्ध के जो हेयर है, ये आप देख सकते हैं, ये कर्दी है, घुंघराले बाल है, जो ग्रीक का इम्पैक्ट इस मूर्ति कला पे दिखाई देता है। और कहा जाता है कि वहां पे एक अपोलो देवता की पूजा की जाती थी, तो गंधार कला ग्रीक प्रभाव से बड़ी प्रभावित मानी जाती है। लेकिन अगर मथुरा कला से गंधार कला का कंपैरिजन किया जाए, जो कि काफी बार उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा गया है, मथुरा कला में भगवान बुद्ध को जस्ट लाइक ए गॉड शो किया गया है, जैसा आप देख रहे हैं, इनके पीछे एक ऑरा दिखाई गई है, ये जो आप देख रहे हैं इनके हेड के पीछे ये एक ऑरा दिखाई गई है, जो ज्यादातर हमारे यहाँ पे गॉड लाइक जो मूर्तियां बनती हैं उसमें, और महात्मा बुद्ध जो है वो आशीर्वाद की मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ा जो कंपैरिजन है वो यही है कि मथुरा कला में महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां बनी उसमें उनको गॉड लाइक इमेज के रूप में शो किया गया, जबकि गंधार कला में जो मूर्तियां बनी उसमें एक आइडियल पुरुष, एक आदर्श पुरुष, आइडियल मैन के रूप में महात्मा बुद्ध को शो किया गया। और एक बात और क्लियर हो गई कि मथुरा कला हो चाहे गंधार कला, दोनों में ही महात्मा बुद्ध से रिलेटेड पेंटिंग्स की गई या उसी से संबंधित मूर्तियां बनाई गई। वेल, मथुरा कला इस मायने में थोड़ी और अलग हो जाती है गंधार कला से कि मथुरा कला में कुषाण राजाओं की भी मूर्तियां देखने को मिलती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जैन कला का भी विकास हुआ कुषाण कला में, मथुरा कला के अंतर्गत जैन मूर्तियां भी बनाई गई और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। तो वेल स्टूडेंट, जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो यही कि मथुरा कला में बलुआ पत्थर और संगमरमर मार्बल का भी यूज हुआ और ब्लैक स्टोन्स भी मथुरा कला की विशेषता मानी जाती है। कुषाण कालीन राजाओं में राजा कनिष्क जो रूलर थे वो बड़े फेमस थे, और कहा जाता है कि उनकी दो कैपिटल थी, एक तक्षशिला और एक मथुरा, इसीलिए मथुरा कला का विकास कुषाण काल में माना जाता है। और उत्तर प्रदेश में इसको ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है, कृष्ण की नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मथुरा कला शैली जो आपको याद रखना है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बलुआ पत्थर का यूज हुआ, इसमें सैंड स्टोन, इसमें ब्लैक स्टोन यूज हुए, इसमें मार्बल यूज हुए। मथुरा कला शैली का जो संरक्षण है पेट्रॉन वो कुषाण राजाओं ने किया, स्पेशली कनिष्क की इसमें काफी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, रूलर कनिष्क का। मथुरा कला में बौद्ध धर्म जो उसका सब्जेक्ट था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनी, साथ साथ राजा महाराजाओं की भी मूर्तियां इस कला के अंतर्गत बनाई गई। वेल, सांस्कृतिक तत्व में स्थापत्य कला में अगर हम मंदिर निर्माण कला की बात करें, तो मंदिर निर्माण कला का जो विकास है वो गुप्त काल में हुआ, और इस समय के मंदिर में देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पे लेटे हैं और मदर गॉडेस लक्ष्मी उनके पांव दबा रही है, ये सबसे पहली मूर्ति है जो सबसे पहले मंदिर में मिली, और वो सबसे पहला मंदिर हिंदुस्तान का फर्स्ट टेम्पल देवगढ़ झांसी का दशावतार टेम्पल, जो पंचायतन शैली में, पंचायतन स्टाइल में बना हुआ था। वेल, उसके बाद अगर आप देखें तो भीतर गांव कानपुर, भीतरी गाजीपुर के ईट निर्मित मंदिर विशेष रूप से जाने जाते हैं। वेल, आप यहां पे देखें तो ये दशावतार मंदिर की पिक्चर यहां पे शो की गई है, काफी पुराना मंदिर है और इसे आप 400-500 शताब्दी का टाइम मान सकते हैं, यानी 400-500 AD के समय का ये मंदिर माना जाता है, जो कि गुप्ता पीरियड का टाइम पीरियड था, 400-500 AD, यानी चौथी पांचवी शताब्दी, जो एक स्वर्ण काल माना जाता है, गोल्डन एज भारतीय इतिहास में गुप्ता टाइम पीरियड को हम लोग मानते हैं। सबसे पहले इसी समय मंदिरों का निर्माण हुआ और इसको नागर शैली कहा जाता है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मंदिर बने उन सबका जो स्टाइल था वो था नागर स्टाइल,
नागर स्टाइल का मतलब होता है उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं वो आप देख सकते हैं उनमें एक छत बनी होती है, त्रिकोणा पिरामिड छत होगी, उनका एंट्रेंस सिंपल सोबर होगा और जो मेन गॉड है उसकी मूर्ति बीच में रखी गई होगी और उसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ यानी सरकमफ्रेंस होगी। यानी जब आप मंदिर में जाते हैं उत्तर भारत के, तो आपको मंदिर के अंदर एक कमरा या एक इस तरह की कोई एक जगह मिलेगी जहां पे गॉड की मूर्ति होगी और उसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बना होगा। ये एक खास बात होती है नागर शैली की। तो देवगढ़ का झांसी का मंदिर हो या भीतर गांव का मंदिर हो या भीतरी गाजीपुर का मंदिर हो, ये सारे के सारे मंदिर नागर शैली में निर्मित किए गए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेल, उसके बाद अगर मैं मध्यकाल की बात करूं तो मध्यकाल के शुरू में जौनपुर के शर्की शासकों के संरक्षण में स्थापत्य के शर्की शैली का विकास हुआ। यहाँ के निर्माणों में अटाला मस्जिद, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मस्जिद है। उत्तर प्रदेश के एग्जाम में इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है कि अटाला मस्जिद किन राजाओं के द्वारा बनाई गई, तो आप इसको याद रखेंगे, जौनपुर के शर्की राजाओं के द्वारा इसका निर्माण किया गया। खालिस मुखलिस झंझरी एंड लाल दरवाजा जो काफी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जौनपुर के, स्पेशली जौनपुर जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जोना खा मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की। और कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में इस जगह को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली, लेकिन फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी के बाद जौनपुर के शासकों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जब तुगलक डायनेस्टी में फिरोज शाह तुगलक के बाद वीक रूलर्स आए और वहीं से सिलसिला शुरू हुआ जौनपुर के शर्की शासकों की स्थापत्य कला के इतिहास का, कहा जाता है कि एक तरह से उदय हुआ। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है अटाला मस्जिद, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जौनपुर के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में मानी जाती है। बाबर ने अयोध्या और संभल में मस्जिदें बनवाई। वेल, उसके बाद कहा जाता है कि जब दिल्ली सल्तनत का एक दौर खत्म हुआ, उसके बाद मुगल सत्ता का आगमन हुआ भारत में और मुगलों का जो टाइटल है वो बादशाह बाबर, बादशाह हुमायूं, बादशाह अकबर के नाम से इनको जाना गया। दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने सुल्तान का टाइटल लिया। और कहा जाता है कि बाबर ने जब हिंदुस्तान में अपने कदम रखे, पानीपत की फर्स्ट बैटल उन्होंने जीती, तो उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था। 1526 से 1530 तक का इतिहास खाली अयोध्या संभल और एक पानीपत में इन्होंने मस्जिदें बनवाई। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अयोध्या की मस्जिद जो बाबरी मस्जिद, बाबरी मॉस के नाम से फेमस थी, इसका डिमोलिशन हुआ और बाद में वहां पर राम मंदिर को लेके काफी जद्दोजहद हुई और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से राम जन्मभूमि का जो फाउंडेशन है वो वहां पे स्टेब्लिश की गई। तो वेल, आप देख सकते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट इशू है, इसलिए इसके क्वेश्चन के आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए आप इसे जरूर याद रखें। और कहा जाता है कि अगर मुगल सत्ता की बात करें इस काल में, तो लाल बलुआ पत्थर यानी रेड स्टोन यहाँ पे यूज किया गया, संगमरमर मार्बल का यहाँ पे प्रयोग किया गया, चिकने और रंग बिरंगे फर्श पर महीन पच्चीकारी और जड़ाऊ काम किया गया। वेल, सबसे पहले आप इन तीन पिक्चर में आप समझ लें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है अकबर की फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि बुलंद दरवाजा, और स्पेशली अगर फतेहपुर सीकरी की बात करें, तो फतेहपुर सीकरी को बनाने में अकबर को 8 साल लगे। 1572 से लेकर 1580 के बीच में कहा जाता है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ, अकबर की दूसरी कैपिटल के नाम से फेमस था। इसी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा जो अकबर ने गुजरात विक्ट्री की याद में इसको स्थापित किया, कहा जाता है 176 फिट हाइट है इसकी बुलंद दरवाजे की। लाल पत्थर, जैसा भी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, लाल बलुआ पत्थर का मुगलों ने काफी यूज किया। पूरे की पूरी फतेहपुर सीकरी लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती जी की दरगाह है, वहां पर बीरबल की कोठी है, वहां पे जोधा पैलेस है, वहां पे एक पंच पैलेस आपको दिखाई देगा और स्पेशली बुलंद दरवाजा जिसकी वजह से फतेहपुर सीकरी फेमस है। कहा जाता है आगरा, आगरा के पास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद आगरा में ही सिकंदरा में अकबर का मकबरा जो सिकंदरा में स्थापित है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो रंग बिरंगे फर्श जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ये रंग बिरंगे फर्श आपको, ये एक स्पेशल स्थापत्य कला थी मुगल शैली की। और आगरा में सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा है, अकबर का जो टोम्ब है, उसमें आप ध्यान रखें कि इसमें डोम नहीं है, 4 मीनारें हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अकबर का मकबरा कहाँ है, ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
उसके बाद अगर आप इस पिक्चर को देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर है, एतमा दौला का मकबरा है ये, जो कि जहांगीर के फादर इन लॉ थे और उनकी एम्प्रेस नूर जहां के पिता थे। एतमा दौला का जो मकबरा है, द टोम्ब ऑफ एतमा दौला इज इन आगरा एंड इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय नूर जहाँ, यानी इन्होंने अपने पापा की का मकबरा बनाया, अपने डैडी का मकबरा बनवाया। और ऐसा कहा जाता है कि ये वो मकबरा है जिसमें सबसे पहले संगमरमर का काम किया गया, और इसे कहा जाता है कि ताजमहल का पूर्वगामी भी इसको माना जाता है, एतमा दौला के मकबरे को। और इसी में सबसे पहले पच्चीकारी का यूज किया गया। पच्चीकारी को आप पहले ये समझ लें कि ये पच्चीकारी होती क्या है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पितरे ड्यूरा। काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कहा जाता है कि दीवार पे कुछ इस तरह से बेल बूटे बनाना, दीवार पे कुछ इस तरह से हथौड़ी और छेने से डिजाइन करना कि इस तरह से बेल बूटे और पत्ती बन जाए। इसको पच्चीकारी का नाम दिया जाता है, जिसको इंग्लिश में हम पिटरे ड्यूरा के नाम से जानते हैं। तो ये जो एतमा दौला का मकबरा है, ये अपने दो खास बातों की वजह से विशेष फेमस है। सबसे पहले संगमरमर का प्रयोग हुआ, जिसको तो आपको याद रखना है, फर्स्ट टाइम पिटरे ड्यूरा टेक्निक, यानी पहली बार पच्चीकारी का इसमें प्रयोग हुआ, जो आपको याद रखना है। एतमा दौला का मकबरा कहाँ पर है? आगरा में है। इस कौन एतमा दौला कौन थे? नूरजहां के फादर थे। जहांगीर से उनका क्या रिलेशन था? ये उनके फादर इन लॉ थे। सो वेल स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट है ये, एक तरह से स्थापत्य कला मुगल काल की मानी जाती है। उसके बाद ताजमहल, यानी अगर हम स्थापत्य कला की बात करें, उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला की बात करें और ताजमहल की बात ना करें, तो ये एक तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट ये सेक्शन है। और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन ताजमहल के ऊपर आए गए हैं, पूछे गए हैं। और सबसे पहली बात आप इसको जरूर याद रखें कि 1631 में, 1631 में ये बनना शुरू हुआ, और ऐसा कहा जाता है कि 1653 में ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ। टोटल 21 से 22 साल ताजमहल को बनने में लगे। शाहजहां, जो कि ग्रेट मुगल एम्परर थे, उन्होंने इसका निर्माण किया अपनी एम्प्रेस अर्जुमन बानो बेगम की याद में, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। आप इस ताजमहल में जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये, इसके जो चार मीनारे हैं, अगर आप ध्यान से देखें, ये 1 2 3 4, ये चारों मीनारे अगर आप इस ग्रीन कलर को आप देखेंगे तो ये तिरछी बनी हुई है, यानी इसकी जो स्ट्रेट है ये स्ट्रेट ना होकर, इफ स्टूडेंट्स स्ट्रेट ना होकर ये कुछ इस तरह से टिल्ट है, ये मीनारे इस तरह से टिल्ट है। और उसका कारण ये है कि इनको इस वजह से इस तरह से बनाया गया था कि कभी अगर अर्थक्वैक आता है तो ये मीनारे बाहर की ओर गिरेंगी, ना कि इस गुंबद, इस डोम के ऊपर गिरेंगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर उस समय का था। और कहा जाता है कि ताजमहल के पीछे यमुना नदी बहती है। ताजमहल का ये जो आप ये जो इसका बेस देख रहे हैं, ताजमहल का जिसके ऊपर ये स्टेब्लिश है, कहा जाता है कि ताजमहल का बेस बनाने में शाहजहां ने बड़ा पैसा खर्च किया, क्योंकि ये एबोनी वुड का ये बेस बनाया गया। एबोनी वुड कहा जाता है कि एक ऐसी वुड है, एक ऐसी लकड़ी है जिसे 1000 साल तक आप पानी में रख दें, ना तो वो मेल्ट होती है, गलती है, और ना ही वो डूबती है। और पर्पस क्या था एबोनी वुड के ऊपर ये स्ट्रक्चर इसलिए खड़ा किया गया कि शाहजहां को कुछ इस तरह का प्लानिंग करना था कि अगर भविष्य में कभी यमुना नदी के जल में उफान आया और यमुना नदी ने ताजमहल को डुबाने की कोशिश करी, उसको सिंक करने की कोशिश करी, तो ताजमहल डूबेगा नहीं और वो बह के कहीं और चला जाएगा, लेकिन ये कभी भी ध्वस्त नहीं होगा। और इसीलिए एबोनी लकड़ी को अफ्रीका से मंगवाया गया, जो उस समय की सबसे एक्सपेंसिव वुड में शुमार थी। अगर ताजमहल की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि उस्ताद ईसा ने के देखरेख में इसको बनाया गया, लेकिन इसके जो मेन आर्किटेक्चर थे उनका नाम था उस्ताद लाहौरी, जिनको शाहजहां ने नादिर उल उस्र का टाइटल दिया, यानी अनइक्वल टू दी एज के नाम से उनको जाना गया। शाहजहां के समय में जो स्थापत्य कला का युग था वो उस समय का गोल्डन एज, स्वर्ण काल के नाम से ताजमहल जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्थापत्य कला शाहजहां की मानी जाती है। इसके अलावा शाहजहां ने लाल किला आगरा में बनवाया, जिसमें रंग महल है, शीश महल है, नगीना मस्जिद है। आगरा के किले में मोती मस्जिद बहुत फेमस है, और ऐसा कहा जाता है कि आगरा की एक जामा मस्जिद है जो उसकी सिस्टर जहां आरा ने उसका कंस्ट्रक्शन किया। ताजमहल में के परिधि में ही, इसके सरकमफ्रेंस में एक और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है जिसका नाम है मुस्मन बुर्ज। और कहा जाता है कि शाहजहां को अपने अंतिम दिनों में औरंगजेब ने मुस्मन बुर्ज में ही कैद किया, और उसी की विंडो से ताजमहल दूर से दिखाई देता है। और शाहजहां ने अपनी लाइफ के लास्ट 8 ईयर, 1658 से 1666, 8 साल मुस्मन बुर्ज में ही बिताए, और वहीं से उन्हें उसने 8 साल ताजमहल को देखा। सो मुस्मन बुर्ज किसके द्वारा बनवाया गया, ये उत्तर प्रदेश के स्थापत्य कला के सेक्शन।
पूछा गया है, तो आप इसे जरूर याद रखें। शाहजहां ने कहां पर है, आगरा में है, ये आपको जरूर याद रखना है। शाहजहां ने अपने कितने साल वहां पे बिताए, तो आपको ध्यान रखना है 8 साल। सो वेल, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर रहे शाहजहां के समय के। वेल, आधुनिक काल की अगर हम लोग बात करें तो प्रदेश में अवध के नवाबों एवं अंग्रेजों द्वारा अनेक निर्माण कराए गए, और आप देख सकते हैं आसफ़ुद्दौला का जो इमाम बाड़ा है ये बहुत फेमस है। उत्तर प्रदेश के एग्जाम में काफी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इमाम बाड़ा, केसर बाग स्थित मकबरा, लाल बरादरी रेजिडेंसी, रूमी दरवाजा, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं रूमी दरवाजा काफी फेमस है। कहा जाता है कि आसफ़ुद्दौला ने 1783 में रूमी दरवाजा का निर्माण करवाया था, और कहा जाता है कि ये एक शान थी उस समय, और इसका जो पर्पस था वो इसका निर्माण किया गया था क्योंकि उस समय एक बहुत बड़ा ड्रॉट, सूखा और अकाल पड़ा हुआ था, फेमाइन उस समय आया हुआ था लखनऊ के आसपास के इलाकों में, और यही रूमी दरवाजे से वेलफेयर के जितने चैरिटेबल कार्य है वो आसफ़ुद्दौला के द्वारा किए जाते थे। तो रूमी दरवाजा जो है, जिसको टर्किश गेट के नाम से भी जाना जाता है, कॉन्स्टेंटिनोपोल का जो गेट है वो इसी से रिजेंबल करता है, रूमी दरवाजा इसी से रिजेंबल करता है, और कहा जाता है ये उसी की रेप्लिका पे बना हुआ है। तो काफी फेमस है उत्तर प्रदेश के एग्जाम में रूमी दरवाजा, काफी बार पूछा गया, और ये इमाम बाड़ा काफी बार उत्तर प्रदेश के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद अगर आप देखें तो शहना शाहनजफ, सैनाबाद का इमाम बाड़ा, छतर मंजिल, मोती महल, केसर बाग स्थित महल, दिलकुशा उद्यान तथा सिकंदर बाग, ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर रहे उस समय के, और आधुनिक काल में इनको गिना जाता है। आसफ़ुद्दौला के द्वारा इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया गया। आसफ़ुद्दौला द्वारा बनाए गए बड़े इमाम बाड़ा का जो मेहराब है, यानी जो उसकी आर्च है, वो विशुद्ध लखनऊ कला का नमूना माना जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, यानी जो उसकी आर्च है या उसका जो मेहराब है वो किस कला का नमूना है, तो आपका आंसर होगा लखनऊ कला। तो वेल स्टूडेंट, उसके बाद अगर हम लोग बात करें पेंटिंग यानी चित्रकला और मूर्ति कला की, तो कहा जाता है कि पेंटिंग का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। प्राचीन काल से ही पेंटिंग काफी फेमस रही, और जैसा आप देख सकते हैं कि प्रदेश में मिर्जापुर, सोनभद्र जिले के टिकनी आदरी, मणिकपुर, होशंगाबाद, जोगीमारा, रायगढ़ आदि स्थलों की गुफाओं में प्राचीन शैल चित्रकारी यानी केव पेंटिंग्स, एंशियंट केव पेंटिंग्स के कुछ नमूने प्राप्त हुए हैं। ये नमूने प्राचीन काल में चित्रकला के विकास के द्योतक माने जाते हैं। वेल, सबसे पहले आपको ये बता दें कि गुफाएं जो पहाड़ों को काट के जो केव्स बनाई जाती हैं, ये चट्टाने यानी जो रॉक्स होती शैल बोलते हैं, उनके ऊपर पेंटिंग की जाती है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में बहुत पुरानी पेंटिंग्स की पिक्चर है, और कहा जाता है कि जैसे आप देख रहे हैं ये जो इलाका आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का, जो ये सेक्शन आप देख रहे हैं जहाँ पे मैं ये सर्कल बना रहा हूँ, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में बहुत पुरानी पेंटिंग्स, ऐसा भी कहा जाता है कि ये पैलियोलिथिक एज टाइम की है, और स्पेशली अपर पैलियोलिथिक एज मानी जाती है, बेट का पेंटिंग मानी जाती है। कहा जाता है उस समय जो चित्रकारी की गई उससे पता लगता है कि उस समय स्किल कैसी थी, उनकी सोच कैसी थी, और इवन एलियन तक के पिक्चर्स उसमें बड़ा शोध का विषय है कि अगर उस समय के लोग अपर पैलियोलिथिक एज के लोग यानी उच्च पूरा पाषाण काल के लोग अगर एलियन की पिक्चर्स बना रहे हैं तो क्या उस समय एलियन से उस समय के लोग परिचित थे, फैमिलियर थे, और उस समय जो कलर्स का यूज किया गया, रेड कलर का यूज किया गया, ग्रीन कलर का यूज किया गया, ब्लू कलर का यूज किया गया, तो ये सब चीजें बताती है कि इसका मतलब उस समय के जो लोग हैं, यानी अगर हम आज से 6,000-7,000 साल पहले की बात करें, उस समय उनको रंगों का, कलर्स का ज्ञान था, और उस तरह के जो एनिमल्स की जो पिक्चर्स बनी है, इसका मतलब उस समय ये एनिमल्स से फैमिलियर थे, चाहे वो बुल हो, चाहे वो बियर हो, चाहे वो डियर हो, चाहे वो लायन हो, तो ये सभी पिक्चर्स उस समय की संस्कृति को दर्शाती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो वेल, इसमें आप प्रदेश का जो मिर्जापुर और स्पेशली सोनभद्र का इलाका है वो आप इस चित्रकला, शैल चित्रकला, केव पेंटिंग इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद रखें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि स्पेशली उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है जिसमें हमें प्राचीन शैल चित्रकारी केव पेंटिंग्स मिलती है, तो उसका आंसर आप बताएंगे मिर्जापुर मंडल का सोनभद्र जिला। वेल, उसके बाद चित्रकला और मूर्तिकला की अगर बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि पेंटिंग का जो इतिहास है, जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में मुगल पेंटिंग की ये इमेज है,
और कहा जाता है कि मध्यकाल में प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली मुगल शैली आगरा शैली के नाम से फेमस थी, जिसकी नींव हुमायूं द्वारा रखी गई थी। कहा जाता है कि हुमायूं को जब शेरशाह सूरी ने हिंदुस्तान से बाहर भेजा और वो ईरान कुछ समय ईरान उसने बिताए, तो ईरान से जब वो वापस आया तो अपने साथ दो चित्रकार लेकर आया, मीर सैयद अली एंड अबू समद। कहा जाता है कि मीर सैयद अली को नादिर उल उस्र का टाइटल हुमायूं के द्वारा दिया गया, और यहीं से मुगल चित्रकला की फाउंडेशन नींव रखी गई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हुमायूं के द्वारा मुगल चित्रकला की नींव रखी गई, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने चित्रकारी के लिए एक अलग डिपार्टमेंट, एक अलग विभाग बनाया। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, यानी हुमायूं के द्वारा जो दो चित्रकार ईरान से लाए गए उनसे मुगल चित्रकला की शुरुआत तो हुई, लेकिन ऑफिशियली एक सेपरेट डिपार्टमेंट वॉज एस्टेब्लिश बाय मुगल एम्परर अकबर के द्वारा इसको स्थापित किया गया। और कहा जाता है कि अकबर ने अबुल समद को एक बहुत बड़ा सिरी कलम का टाइटल दिया, जो कि काफी फेमस क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। और कहा जाता है कि इस समय आईने अकबरी जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, उसमें उपरोक्त दोनों चित्रकारों के अलावा 15 अन्य प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम दिए गए हैं, जिसमें नाम आते हैं दसवंत के, बसावन, महेश, लाल मुकुंद, सावल दास। ये सभी हिंदू चित्रकार बहुत फेमस थे, अकबर के दरबार में थे। कहा जाता है दसवंत और बसावन दोनों बहुत बड़े पेंटर माने जाते हैं, दोनों भाई थे, और इसमें से दसवंत के द्वारा ही कमिटेड सुसाइड, इसने आत्महत्या कर ली थी, जो कि बड़ा फेमस क्वेश्चन है एग्जाम का, जो आपको याद रखना है। और कहा जाता है कि अकबर के द्वारा हमजा नामा, दास्ताने अमीर हमजा, जो कि एक अरेबिक एपिक माना जाता है, उसकी पिक्चर्स हमजा नामा के नाम से बनवाई गई। 1200 चित्रों का संग्रह, जो कंपाइलेशन है, हमजा नामा के नाम से फेमस हुआ। और इस टीम के जो हेड थे वो मीर सैयद अली थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अकबर के काम में पेंटिंग को लेकर चित्रकला की अगर बात करें तो काफी काम अकबर के समय किया गया, चाहे वो चित्रकला हो चाहे वो मूर्ति कला हो। उसके बाद कहा जाता है कि एक गोल्डन एज आया जहांगीर के समय। जहांगीर के समय मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंची, और मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग इसको कहा गया। इसने आगरा में एक चित्रशाला भी बनवाई, और कहा जाता है कि जहांगीर एक ऐसा चित्रकार था कि अगर आप इसके सामने एक ऐसी पेंटिंग लेकर आए जिसमें 8 से 10 चित्रकारों ने काम किया हो, तो जहांगीर उस पेंटिंग को देख के बता देता था कि इस पेंटिंग के हाथ किसने बनाए, इसकी आईज किसने बनाई, इसके कपड़ों पे किसने डिजाइन किया है, और इसकी आईब्रो किसने बनवाई। कहा जाता है कि बहुत ही बारीकी चित्रकार माना जाता है जहांगीर को, और इसी वजह से जहांगीर का खुद का इंटरेस्ट चित्रकला में ज्यादा था, इसी वजह से जहांगीर ने चित्रकला को बड़ा प्रमोट किया। और इवन कहा जाता है कि जहांगीर के समय अबुल हसन, जो कि बहुत ग्रेट चित्रकार थे, इनको नादिर उल जमा का टाइटल दिया, मंसूर इनको नादिर उल उस्र का टाइटल जहांगीर ने दिया, किशन दास इनके इंटरनेशनल चित्रकार थे। इस समय जहांगीर के समय मिनिएचर्स बनाई गई, और कहा जाता है बिशन दास को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्राप्त चित्रकार थे, जो पोर्ट्रेट्स में उनका हाथ बहुत सेट था। मंसूर के बारे में कहा जाता है कि वो कंपनी शैली के चित्र बनाते थे, उड़ते हुए साइबेरियन क्रेन के जो उनके चित्र हैं वो काफी फेमस थे, उसको कंपनी स्टाइल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर शाहजहां के समय की बात करें, शाहजहां का समय स्थापत्य कला के लिए जितना प्रसिद्ध रहा उतना चित्रकला के लिए ज्यादा फेमस नहीं रहा, लेकिन कहते हैं कि मुगल चित्रकला में शाहजहां ने स्टोन, जेम्स, इन चीजों को जड़वाया अपनी चित्रकला में, और एक फकीरुल्ला नाम के बहुत ही ग्रेट पेंटर शाहजहां के कोर्ट में बताए जाते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद औरंगजेब का एक टाइम ऐसा आया जब चित्रकारों को संरक्षण मिलना बंद हो गया, और पेंटिंग का ये बहुत ही बुरा दौर, बहुत ही बुरी एज थी। औरंगजेब ने किसी भी प्रकार के चित्रकार को कोई संरक्षण नहीं दिया, और मुगल चित्रकला धीरे धीरे अपने दम तोड़ती चली गई। उसके बाद मथुरा में जैन चित्रकला का विकास हुआ, क्योंकि जब सेंट्रल लेवल पे चित्रकारों को रोजी रोटी नहीं मिलती, ब्रेड एंड बटर का कोई साधन नहीं होता, तो वो फिर छोटे छोटे राजाओं, छोटे छोटे डायनेस्टीज, लोकल राजाओं के पास चले जाते हैं, और वहीं पर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं। तो कहा जाता है कि चित्रकारों के लिए भी वो बुरा दौर था औरंगजेब के समय का, और चित्रकला के लिए भी। फिर कहा जाता है कि मथुरा में जैन चित्रकला का विकास हुआ, और प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का विकास 20वीं सदी के प्रारंभ में, यानी 1910 से 1920 के बीच में तब शुरू हुआ जब 1911 में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर है, लखनऊ में कला
एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई? ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। 1911 आप इसको जरूर याद रखें, 1911 ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। 1911 में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लखनऊ में स्पेशली कला